हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली हुंडई की मोस्ट अवेटेड मिनी एसयूवी हुंडई कैस्पर लॉन्च हो चुकी है कोरियन मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही जल्दी इंडिया में भी ये लॉन्च होने वाली है बहुत ही जबरदस्त फीचर्स और डिजाइन के साथ। जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो 4.50 लाख to 7.50 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली रहने, और वहीं हम इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो एंड ऑफ 2021 ये लॉन्च होने वाली है। वहीं हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो डायरेक्ट कॉम्पीट करेगी टाटा पंच मिनी एसयूवी एंड मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर मिनी एसयूवी मारुति इग्निस को कड़ी टक्कर देगी। चलिए अब बात करते हैं इसके डिजाइन डायनेमिक्स की। फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफी बोल्ड और एग्रेसिव लगने वाली है, और यहाँ पे हुंडई वेन्यू से रिजेंबल करने वाली है। और इसके हेडलैम्प यूनिट में सबसे ऊपर आपको फ्लोटिंग एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके टॉप इन वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन और एयरडैम में आपको यहां पे सिल्वर गार्निश देखने को मिलेगा, और स्किड प्लेट आपको सिल्वर गार्निश में ही देखने को मिलेगा। वहीं हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफी हद तक हुंडई वेन्यू से ही रिजेंबल करने वाली है। चारों ओर आपको मिलने वाले हैं बॉडी क्लैडिंग जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में आपको मिलने वाले हैं ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील जो कि 15 इंच के रहने वाले हैं। और ORBM की बात करें तो बॉडी कलर ORBM LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल टॉप इन वेरिएंट में। और इसके ए पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, बी पिलर में बॉडी कलर दिया गया है, और इसके ग्रैब हैंडल फ्रंट में आपको बॉडी कलर में, रियर में टाटा अल्ट्रोस से रिजेंबल करता हुआ दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इसमें रूफ रेल दिया गया है बहुत ही जबरदस्त ड्यूल टोन में सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। जहां तक डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ 3595 mm, विड्थ 1595 mm, हाइट 1575 mm दिया गया। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी एस्प्रेसो को भी ये कम्पीट करने वाली है। और इसके अलावा ये पहली माइक्रो एसयूवी होगी जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप रियर प्रोफाइल देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, और सबसे ऊपर आपको शॉक फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर और रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है टॉप इन वेरिएंट में। और इसके टेल गेट के बीचों बीच हुंडई का लोगो, और बीचों बीच आपको कैस्पर की बैजिंग देखने को मिलेगा। रियर बम्पर पे राउंड शेप रियर रिफ्लेक्टर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, और इसके नंबर प्लेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, नीचे स्किड प्लेट आपको दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त इसका रियर लुक। और इसके इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम रहने वाले हैं। इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप इन वेरिएंट में फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील आपको 3-स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। टॉप वेरिएंट में लेदर अपहोल्स्ट्री और लोअर वेरिएंट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगा। जस्ट सफिशिएंट स्पेस आपको मिलने वाली है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। वहीं हम इंजन की बात करें तो आपको इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 75 bhp की पावर जनरेट किया करेगी, और सेकंड नंबर 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 99 bhp प्रोड्यूस करेगी, और थर्ड नंबर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 83 bhp की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाले हैं। जहां तक इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मिलने वाले हैं ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, डे नाइट, IRBM, प्रिटेंशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। हुंडई कैस्पर मिनी एसयूवी का आपको डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट हुंडई कैस्पर मिनी एसयूवी से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।